जय जिने दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा। यस, पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। फ्रेंड्स, आज काफ़ी समय के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ एक रिंग सेरेमनी के फंक्शन में, जो हमारे काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपने सफ़र में अपने साथ ले चलूँ। क्यों, सही सोचे है ना? ये देखिए, आ गई आपके चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान। यस दोस्तों, यही तो चाहिए। छोटी छोटी बातों से जब हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो वही लाखों की। फ्रेंड्स, ये जो मुस्कान होती है ना, यही बड़ी कीमती होती है। तो हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि आपके चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान बनी रहे। तो फ्रेंड्स, अपने इस सफ़र में करते हैं हम लोग सफ़र की बातें। सफ़र, ट्रैवलिंग, कुछ भी, घूमना फिरना, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, जब सफ़र की बात आती है तो हर कोई बेहद खुश हो जाता है। बेशक चाहे वो एक दो घंटे का सफ़र हो, या दो से चार घंटे, या फिर सुबह से शाम तक का, ज़्यादा लंबा भी हो सकता है एक दो दिन का। पर मेरा ये कहना है कि सफ़र का नाम सुनते ही बच्चे भी कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर आप उनसे कहेंगे ना कि चलो आप बच्चों, आज पिकनिक पर चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो देखिए कैसे फटाफट तैयार हो जाते हैं बच्चे और सारी बातें मानेंगे आपकी। ऐसे ही यदि आप हम लेडीज से बोलेंगे ना कि चलो भाई आज कोई फिल्म देखाते हैं, या फिर किसी फ्रेंड्स के घर गेट टुगेदर करते हैं, तो देखिए हम औरतें 5 मिनट भी नहीं लगाएंगी रेडी होने में, वैसे चाहे उन्हें 2 से 3 घंटे लग जाए। यस दोस्तों, यही होता है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, हर कोई अपने डेली रूटीन से बाहर आना चाहता है। बेशक वो थोड़ा समय ही क्यों ना हो, वो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ पल, कुछ घंटे अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है। तो दोस्तों, यही तो सफ़र की खासियत होती है कि हर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फ्रेंड्स, सफ़र का मज़ा तब 2 गुना 4 गुना हो जाता है जब सफ़र में होता है हमारे अपनों का साथ। यस, हमारे अपने, हमारी फैमिली, या फिर हमारे ऐसे रिलेटिव्स जिनके साथ हमें बड़ा ही कंफर्ट फील होता है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, बनावट नहीं होती, क्योंकि अपनों के साथ ये सफ़र हमारा इतना सुहाना हो जाता है कि हम हमेशा अपने सफ़र को याद रखते हैं और उन्हीं के साथ फिर से बार बार ट्रेवल करने का भी मन करता है। फ्रेंड्स, हमारा ये सफ़र अपनी गाड़ी में भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, या फिर प्लेन का भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी में और कर रही हूँ सुहाना सा सफ़र। तो बात करते हैं अपनी गाड़ी के सफ़र। यस दोस्तों, अपनी गाड़ी की बात ही अलग होती है। कहते हैं ना, साड़ी गड्डी साड़ा राज। यस दोस्तों, अपनी गाड़ी पे जब हम बैठ के कहीं घूमने जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं एक अलग सी रॉयल सी फीलिंग आती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपनी गाड़ी के यही मज़े हैं कि आप कहीं भी रोके, कुछ भी करिए। अगर आपका फ़ोटो क्लिक कराने का मन है तो आप गाड़ी साइड में लगा के फ़ोटो क्लिक्स करा सकते हैं। यदि आपका कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पे रोक सकते हैं। होता है ना ऐसा दोस्तों? तो यही सफ़र की खासियत होती है और यही अपनी गाड़ी के मज़े होते हैं। घर से बैठते हैं और वापस घर पे आके उतरते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई टेंशन ही नहीं होती है। मज़े से बैठे, एसी में बैठे, एसी से उतरे, तो यही होती है अपनी गाड़ी की खासियत। दोस्तों, इमेजिन करिए आप अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, रोड ट्रिप पे बड़े मज़े से, शान से चल रहे हैं, गाड़ी में लाउड म्यूज़िक चल रहा है, खाने पीने का सामान, खाते हुए, बातें करते हुए, हंसते हंसाते, म्यूज़िक सुनते हुए, और मौसम भी बड़ा सुहावना हो जाता है। क्लाउडी वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की सी बारिश की बूंदें भी आ रही हैं, जिन्हें हम फुहारे कहते हैं। तो अचानक से दोस्तों, आपको क्या नज़र आती है? चाय की टपरी। चाय की टपरी समझ गई ना? अरे वही, रोड ट्रिप पे जाते वक्त जो रोड साइड छोटी छोटी चाय की शॉप्स बनी होती हैं दोस्तों, उनकी शॉप पे जो ट्रांसपेरेंट जार में जो मछलियाँ रखी होती हैं, जो फैंस रखे होते हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं रखी होती हैं, और जिस तरीके से वो चाय बनाते हैं ना, बस उसका तो कहना ही क्या, उसे देख कर ही आनंद आ जाता है। पीने के बाद तो बस नेक्स्ट लेवल। अरे अरे, क्या हुआ? आपने कुछ और इमेजिन किया था क्या? करिए करिए, आप सबका बर्थ राइट है भाई, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। पर मेरा तो इमेजिनेशन यही होता है कि मुझे
जो ये चाय की टपरी दिख जाती है ना, तो बस मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इमेजिन करिए दोस्तों, क्लाउडी वेदर और बारिश के बीच में खुले आसमान के नीचे गर्मा गर्म चाय पीने का अलग ही नज़ारा होता है। गर्म गर्म चाय, ठंडी ठंडी हवा और अपनों का साथ, और क्या चाहिए लाइफ में दोस्तों। यही वो पल और यही वो लम्हे होते हैं दोस्तों, जो हमें हमेशा याद रहते हैं। तो यही मैं कहती हूँ दोस्तों कि अपनों के साथ थोड़ा सा समय निकालिए और निकल जाइए, चाहे शॉर्ट ट्रिप बनाइए, कुछ भी कीजिए और सफ़र के मज़े लीजिए। फ्रेंड्स, सफ़र में जब हम जाते हैं ना, तो हमें कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और थोड़े से कई बार बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन उससे हम लाइफ में कुछ सीखते ही हैं दोस्तों। हमारा ये सफ़र हमें तरोताज़ा बना देता है, एनर्जेटिक बना देता है। ज़िंदगी की भागम भाग में हम कई बार हंसना ही भूल जाते हैं, स्माइल करना भूल जाते हैं। तो ये सफ़र ही होता है जो हमें कुछ पल अपने लिए निकालने पे मजबूर कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब बात सफ़र की आती है तो कहाँ की याद आती है? हिल स्टेशन की, जब हम पहाड़ियों के बीच में से निकलते हैं, घाटियों के बीच में से निकलते हैं, तो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की सुंदरता हमारा मन मोह लेती है और हम एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। क्योंकि रोज़ की हमारी लाइफ में हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं और ना ही हम एंजॉय करते हैं, बस सुबह से शाम तक अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो पहाड़ियों की सुंदरता, घाटियों की सुंदरता हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हम हर पल एंजॉय करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग टॉय ट्रेन में ज़रूर बैठे होंगे, जो दार्जिलिंग में भी चलती है और शिमला में भी चलती है। फ्रेंड्स, उस टॉय ट्रेन की तो कहने ही क्या, कहने को तो वो बच्चों की ट्रेन है, बट बड़े भी उसमें बैठ के बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत ही अलग फीलिंग आती है, हमें लगता ही नहीं कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्रेन का मकसद ही यही है कि आपको शिमला की, दार्जिलिंग की हर ब्यूटी से परिचित करवाना, वहाँ की सुंदरता को दिखाना। तो हमारा ये सफ़र छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा एंजॉयबल होता है। दोस्तों, आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप चाहे छोटे छोटे ट्रिप बनाइए, बेशक महीने में एक बार बनाइए, दो महीने में एक बार बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। दोस्तों, आज है संडे, तो बनाइए इसको फन डे, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप भी इस संडे को फन डे बनाकर अपने फुर्सत के क्षणों को जैसे आप चाहते हैं एंजॉय कीजिए। एक बात और दोस्तों, यदि सफ़र सुहाना हो ना, तो सफ़र का पता भी नहीं चलता कि वो कैसे कट गया। अब देखिए ना, आपसे बातें करते करते मेरा भी सफ़र कम्प्लीट हो गया और हम पहुँच गए अपने फंक्शन में। तो यही होता है दोस्तों, सफ़र में अगर साथ अच्छा हो ना, तो सफ़र का मज़ा ही अलग होता है। वो कहते हैं ना, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। जी हाँ दोस्तों, साथ चलिए, अपनों के साथ रहिए और अपने हर पल को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, बाय कहने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा हंसते रहिए। दोस्तों, मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप कीजिए अपना ट्रैवल प्लान। ओके, बाय बाय गाइस।